गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास 11th चैप्टर 2 को लेकर आए हैं आपके बीच वीडियो के माध्यम से। सिलेबस में साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को लेकर और यूनिट सिस्टम्स और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस को लेकर हम बात करेंगे। इस टॉपिक्स में ये सब बातें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये साइंस क्या है, साइंस को लेकर चल रहे हैं तो साइंस क्या होता है। सबसे पहले हम साइंस के बारे में जानेंगे, साइंस किसे कहते हैं। तो सिस्टमैटिक एंड एडवांस नॉलेज अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। यानी साइंस के बारे में आप जान रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में क्रमबद्ध और विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान के रूप में आप देख रहे हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि अगर साइंस है क्या, साइंस के रूप में आप देख रहे हैं साइंस होता क्या है, तो साइंस का अर्थ होता है विज्ञान। यानी विज्ञान, विज्ञान जो है दो शब्द से मिलकर बना है, बी और ज्ञान। बी का मतलब बाहरी और ज्ञान का मतलब नॉलेज। यानी एक्सटीरियर नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सटीरियर नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, बाहरी ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के रूप में आपने देखा, तो विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया। विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया, यानी सबसे पहले लिविंग थिंग्स मैथड, लिविंग थिंग्स मैथड, और दूसरा बांटा गया नॉन लिविंग थिंग्स मैथड, नॉन लिविंग थिंग्स मैथड, थिंग्स मैथड। यानी सजीव के आधार पर और दूसरा बांटा गया निर्जीव के आधार पर। तो सजीव की बातें हम लोग कहां करते हैं, तो याद रखेंगे सजीव की बातें हम लोग बायो में करते हैं, यानी बायोलॉजी में करते हैं। और निर्जीव की बातें हम लोग कहां करते हैं, तो निर्जीव की बातें हम लोग करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में करते हैं। यानी PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि फिजिक्स होता क्या है, अब हम लोग आ रहे हैं फिजिक्स को लेकर। यानी फिजिक्स होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को जानेंगे, फिजिक्स किसको कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स किसको कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि आप फिजिक्स जो है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटना का अध्ययन करते हैं उसी को फिजिक्स कहते हैं। यानी भौतिकी कहते हैं। यानी फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस वी स्टडी इन नेचुरल फेनोमिना। यानी फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस वी स्टडी इन नेचुरल एंड नेचुरल फेनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी फिजिक्स यानी भौतिकी इज मतलब है कि ये ब्रांच शाखा ऑफ का साइंस विज्ञान भी, मतलब हम लोग स्टडी मतलब पढ़ते इन मतलब अंदर में नेचर मतलब प्राकृतिक एंड और नेचुरल प्राकृतिक फेनोमिना यानी प्राकृतिक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को फिजिक्स कहते हैं। यानी भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसी को भौतिकी कहते हैं। अब यहां पर सोचा जाए कि यह भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। यानी अगर हम फिजिक्स की बात किए, अब हम जानना चाहते हैं कि यह भौतिक राशि क्या होता है, यानी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि किसको कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी के रूप में देख रहे हैं यानी भौतिक राशि। यहां पर आप बता सकते हैं जस्ट लाइक कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है।
जिसको हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। तो जिस चीज को आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी के रूप में बात। तो जिस चीज को क्रमबद्ध रूप में मापा या तौला जाता है, जिस चीज को आप मेजर कर सकते हैं, उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी के रूप में आप बात करें, यानी भौतिक राशि कहते हैं, यानी भौतिक राशि कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि के प्रकार। तो पहला प्रकार होता है एपीक्यू, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा होता है डीपीक्यू, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। इसको कहते हैं मूल राशि और इसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि। यानी अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। यानी एपीक्यू का मतलब हुआ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डीपीक्यू का मतलब हुआ ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी मूल राशि और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि। तो आपके मन में यह क्वेश्चन आएगा कि यह मूल राशि क्या है, यानी मूल राशि किसको कहते हैं, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है क्या, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम बात करें एपीक्यू यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी मूल राशि। ऐसे हम लोग कहते हैं, अगर पापा और बेटे के बीच रिलेशन लिया जाए तो पापा जो हैं वह मूल राशि है और बेटा या बेटी जो है वह व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि पापा से उत्पन्न हुआ है। तो पापा से उत्पन्न हुआ तो पापा मूल राशि है और बेटा या बेटी व्युत्पन्न राशि है। तो यहां पर मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के रूप में आते हैं। तो मूल राशि होता क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वालिटी। जैसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वालिटी है क्या, तो आप बताएंगे जस्ट लाइक जो स्वतंत्र रूप में होता है, जो किसी पर निर्भर नहीं करता, उसी को मूल राशि कहते हैं या मूल भौतिक राशि कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इट इज फ्री, इट इज नॉट डिपेंडिंग एनी अदर, दैट मीन्स द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मूल राशि वैसी राशि है जो स्वतंत्र रूप में होती है, जो किसी पर निर्भर नहीं करती, उसी को मूल राशि कहते हैं, उसी को मूल राशि कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एपीक्यू के बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं कि एपीक्यू क्या है, यानी आप बताएंगे इट इज फ्री या स्वतंत्र है, इट इज नॉट डिपेंडेंट एनी अदर क्वांटिटी, इज नॉन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी एपीक्यू। वैसी राशि जो स्वतंत्र है, जो किसी पर निर्भर नहीं करती है, वैसी राशि को हम लोग मूल राशि कहते हैं, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी मूल राशि सात है, पहला लिंग, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा करेंट, पांचवा टेम्परेचर, छठा लुमिनियस ऑफ इंटेंसिटी, लुमिनियस ऑफ इंटेंसिटी,
और सातवां मास ऑफ मैटर, मास ऑफ मैटर यानी सात जो है मूल राशि है यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिस पर हमारा फिजिक्स बैठा है। ये सात जो है वही मूल राशि है, लेंथ लंबाई मास द्रव्यमान टाइम समय करंट विद्युत धारा टेम्परेचर ताप ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता मास ऑफ मैटर यानी पदार्थ का द्रव्यमान। ये सातों जो है वह मूल राशि यानी मूल राशि के रूप में बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी यूनिट क्या है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये यूनिट होता क्या है। यूनिट का मतलब होता है इकाई, यानी यूनिट किसको कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यानी यूनिट यानी इकाई किसे कहा जाता है, तो हम लोग कहते हैं दी स्टैंडर्ड रिफरेंस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स यूनिट। दी स्टैंडर्ड रिफरेंस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट्स, यानी किसी भी भौतिक राशि को छोटी से छोटी इकाई में व्यक्त करना यूनिट कहलाता है यानी मात्रक कहलाता है, यानी यूनिट के रूप में बात करते हैं। जस्ट लाइक लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, टाइम का मात्रक होता है सेकेंड, करंट का मात्रक होता है एम्पियर, टेम्परेचर का मात्रक होता है केल्विन, कहीं कहीं इसे थीटा से भी इंडिकेट किया जाता है, ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी का मात्रक होता है कैंडेला, और मास ऑफ मैटर का, मास ऑफ मैटर का जो मात्रक होता है वह मोल, या इसे कहीं कहीं मोटा एम से भी इंडिकेट किया जाता है, मोटा एम से भी इंडिकेट किया जाता है। ऐसे आप बता सकते हैं यानी इसे मोटे एम से भी इंडिकेट किया जाता है। तो याद रखिएगा लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ल्यूमिनेंस या ऑफ इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और मास ऑफ मैटर यानी मोल से इंडिकेट किया जाता है। ये सातों जो है वह मूल राशि है, दो अपवाद है, इसमें दो जो है ऑड है यानी अपवाद भी माना गया है, यानी इसमें दो जो है यानी टू वह ऑड है यानी अपवाद है, दो जो है इसमें अपवाद रखा गया है यानी अपवाद है। पहला जो है उसका नाम है प्लेन एंगल और दूसरा जो होता है वह होता है सॉलिड एंगल, यानी प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है एस्टे रेडियन। यानी प्लेन एंगल का मतलब हुआ समतल कोण, समतल कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण का मात्रक एस्टे रेडियन। ये आपने जो देखा इसी पर हमारा फिजिक्स बैठा है, इसी सातों बातों के बारे में हम पूरे फिजिक्स में स्टडी करते हैं, यानी पूरे सातों बातों का स्टडी हम इस पूरे फिजिक्स में करेंगे। ये हुआ हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अगर हमसे बात किया जाए कि डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डीपीक्यू यानी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी बात किया जाए, तो आप देखिए यहां पर अगर बात करें डीपीक्यू यानी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में इसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं, व्युत्पन्न यानी उत्पन्न, व्युत्पन्न यानी उत्पन्न, जिससे यह उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न किससे हुआ, एपीक्यू से हुआ, एपीक्यू से हुआ। मैं साबित भी कर दूंगा कि कैसे यह उत्पन्न हुआ। तो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी इट इज नॉट फ्री। आप देखते हो यहां पापा गलती करते हैं तो कोई नहीं डांटता है, अगर पापा के ऊपर दादा हो तो दादा का भी हालत यानी पापा का भी हालत खराब हो जाता है, लेकिन पापा और बेटी के बीच रिलेशन लिया जाए तो बेटा या बेटी गलती करता है तो पापा डांटते हैं,
क्योंकि पापा स्वतंत्र हैं, लेकिन बेटा और बेटी स्वतंत्र नहीं होता क्योंकि उनके होटल में खाते हैं, तो डांट तो लगेगी। तो उसी प्रकार हम इसको सेट किए हैं डीपी क्यू, यानी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, यानी व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न यानी व्युत्पन्न। तो यहां ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, इट इज नॉट फ्री या स्वतंत्र नहीं है, इट इज डिपेंडेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी is known as DPQ, यानी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। तो आप बता सकते हैं इट इज नॉट फ्री, यह स्वतंत्र नहीं है, इट इज डिपेंडेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या मूल राशि पर निर्भर करता है, जिसको ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, यानी व्युत्पन्न राशि कहते हैं, यानी व्युत्पन्न के रूप में बात। तो यहां पर आप बता सकते हैं, अब जस्ट लाइक हम एग्जाम्पल दें कैसे ये डिपेंडेंट है एपी क्यू पर, अब सोचने वाली बात है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे यह घर है और मान लीजिए यह आपका स्कूल है, तो घर और स्कूल के बीच में क्या हो, आपके घर और स्कूल के बीच में क्या है, तो आप बोलिएगा दूरी है, डिस्टेंस है। इट इज रॉन्ग, यहां पर घर और स्कूल के बीच एक स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन है या जिलेबिया मोर है या जिलेबिया मोर के रूप में बात करते हैं। तो घर और कोचिंग के बीच क्या है, तो या तो स्ट्रेट सीधा रास्ता है, टेढ़ा मेज मेरा रास्ता है, या जिलेबिया मोर है। तो यह घर और स्कूल के बीच एक लेंथ है, यह लेंथ है यानी लंबाई है, लंबाई नहीं होता तो डिस्टेंस उत्पन्न ही नहीं होता, डिस्टेंस उत्पन्न ही नहीं होता। तो लेंथ जो है वह है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और डिस्टेंस जो है वह है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। अगर लेंथ नहीं होता तो यहां पर यह डिस्टेंस ही उत्पन्न होता, क्योंकि दूरी कहा जाता है दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। एक्चुअल पाथ ऑफ दिस लेंथ दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, या डिस्टेंस कहा। जस्ट लाइक एग्जांपल और भी हम आपको दिखाते हैं, एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहां पर स्पीड, स्पीड की बात करें तो स्पीड एग्जाम्पल नंबर दो, अगर स्पीड की बात करें, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यानी चार बराबर दूरी बटा समय। तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इट इज अ डिपेंडेंट ऑफ लेंथ, लेंथ पर निर्भर करता है। ये टाइम तो टाइम ही है, जरा आप देखिए लेंथ और टाइम क्या है, तो इसको हमने कहा था कि यह एपी क्यूब है और इससे यह निकला स्पीड। अगर ये नहीं होता तो ये निकलता ही नहीं, तो ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ये है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे इसको कहते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ये क्या है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। और ये एग्जांपल हम देते हैं, जस्ट लाइक आप कहते हैं फोर्स, फोर्स की बात करता हूं, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन होता है दैट इज फोर्स, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो आप कहते हैं यह मास है और एक्सेलरेशन को आप कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल या टाइम टेकन, आप ऐसा करते हैं। तो वेलोसिटी किस पर डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट पर, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पर। अगर हम इसको और भी लिख दें, मास इनटू वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी वेलोसिटी का होता, और एक टाइम नीचे भी है,
टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट इट इज द डिपेंडेंट ऑफ लेंथ. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट, यानी न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं. तो अब देखिए, मास है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट मैंने कर दिया, इट इज द डिपेंडेंट ऑफ लेंथ. यानी लेंथ बाय टाइम इनटू टाइम. तो देखिए, मास भी आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ भी आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. अगर ये नहीं होता तो फोर्स उत्पन्न ही नहीं होता. तो इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इसको कहते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी. बहुत सारा एग्जाम्पल है आपके मन में, जो भी एग्जाम्पल आवे आप उसको करके देखो, तो आपको पता चल जाएगा जितने भी यूनिट्स हैं वह हम फंडामेंटल के ही आधार पर लिखते हैं, उस पे ही ड्राइव निकाला जाता है. तो ये चीज जो थे, जो मैंने आपको बताया, मेनली तो हम तीन का यूज करते हैं. कुछ ऐसे भी यूनिट्स आएंगे, कुछ ऐसे भी यूनिट्स आएंगे, अब उसका मात्रक हमको पता नहीं है. अब जैसे चार्ज आ गया, यानी आवेश आ गया, अब यहां पर सोचिए सर उसका यूनिट क्या लिखे. तो चार्ज का होता है क्यू सी टिकेट करते हैं, तो उसको लाम कह देंगे, सी सी टिकेट कर देंगे. अब मान लीजिए आपका नाम आ गया और उसका मात्र लिखना है, कैसे लिखेंगे. अब उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, आपके नाम का जो पहला लेटर है यानी कैपिटल लेटर है उससे इंडिकेट कर दीजिए, वही उसका यूनिट हो जाएगा. जो यूनिट आपको नहीं आता है उस नाम का पहला अक्षर लीजिए, उससे आप यूनिट भी बना सकते. जस्ट लाइक एग्जाम्पल है या पोडियम. अब इसका यूनिट हमको निकालना है, तो पोडियम है, इसका यूनिट क्या होगा. ऐसे तो हमने कहा जिस चीज को मापा या तोला जाता है, यानी इसका यूनिट अब होगा क्या. तो पोडियम है, हमको मालूम नहीं है, तो इसको हम पी कर देंगे. या डस्टर है, इसका यूनिट हमको मालूम नहीं है. कुछ भी हो फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट आपको मालूम नहीं है, इस साल के अलावे भी आ जाता है, अब उसको आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस नाम का कैपिटल अक्षर का पहला जो लेटर है उससे आप यूनिट उसको बना लीजिए, आप उससे बना सकते हैं, तो वह आपका यूनिट हो जाएगा. यह आपने देखा, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ट्रायड फिजिकल क्वांटिटी. अब हम अगर बात करें, यानी इस यूनिट को, इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो मेथड में तो सजा दिया, यानी इसको भी रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, या रिप्रेजेंट हम करते हैं, एक तो हमने किया बाय यूनिट, एक होता है बाय डायमेंशन. यानी जस्ट लाइक अभी हम अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो मैंने कहा इसको जो रिप्रेजेंट किया गया वह दो मेथड से, बाय यूनिट और बाय डायमेंशन. तो आपको यूनिट तो समझ में आ गया होगा कि यूनिट क्या होगा. अब यहां पर हो रहा है क्या, बाय डायमेंशन. बाय डायमेंशन भी हम कर सकते हैं. अब डायमेंशन कैसे करें, डायमेंशन के रूप में भी आप कर सकते हैं कि उसको हम कैसे निकालें. तो इस डायमेंशन के आधार पर हम भी इस चीज को निकालेंगे कि या क्या है, या आपको हम उससे पहले बाय डायमेंशन से पहले हम आपको यूनिट सिस्टम बता देंगे कि यूनिट सिस्टम होता है क्या. इसको हम अगली क्लास में वीडियो में बनाएंगे और एप्लीकेशन और डायमेंशन बताएंगे. अभी हम आपको बता दें कि यूनिट सिस्टम क्या है. यानी यूनिट सिस्टम अगर बात किया जाए कि यूनिट सिस्टम क्या होता है, यानी यूनिट सिस्टम, यानी पद्धति, यानी पद्धति की बात करेंगे, यानी पद्धति होती क्या, यानी यूनिट सिस्टम. तो आप कह सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को छोटे से छोटे रूप में व्यक्त करना सिस्टम कहलाता है, यानी पद्धति कहलाता है. एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर अ स्मॉल ड्यू टू अ स्मॉल पार्ट्स,
नॉन एज सिस्टम, वह सिस्टम कहलाता है यानी पद्धति कहलाता है। ऐसे पद्धति को चार भागों में बांटा गया, पद्धति को जो है वह चार भागों में बांटा गया। पहला जो है यहां पर अगर बात करें तो पहला जो पद्धति है उसका नाम है एफपीएस सिस्टम, उससे बड़ी पद्धति का नाम है सीजीएस सिस्टम, उससे बड़ी पद्धति का नाम है एमकेएस सिस्टम, और उससे बड़ी पद्धति का नाम है एसआई सिस्टम। यानी एफपीएस सिस्टम यानी एफपीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम यानी सीजीएस पद्धति, और एमकेएस सिस्टम यानी एमकेएस पद्धति, और एसआई यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट, अंतरराष्ट्रीय पद्धति का आंकिक मान। आपसे अगर कोई पूछ देगा कि एफपीएस सिस्टम क्या होता है, यानी एफपीएस सिस्टम होता क्या है, तो पहले यह जानिए एफ का मतलब क्या होता है। यानी एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब हो गया पाउंड, और एस का मतलब हो गया सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। सीजीएस का मतलब जान जाए सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। एमकेएस का मतलब जान जाए मीटर किलोग्राम और सेकेंड, और एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। यानी आपसे पूछेगा कि एसआई सिस्टम क्या है, जो एमकेएस फॉर्म में होता है उसी को एसआई सिस्टम कहते हैं, जो एमकेएस फॉर्म में होता है उसी को एसआई सिस्टम कहते हैं। कुछ बात है जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है लेकिन यूनिट कुछ और होता है, जैसे एनर्जी का मात्रक जूल होता है, वर्क का मात्रक जूल है, ये सब ऐसा यूनिट्स है। तो जो एमकेएस फॉर्म में होता है उसी को हम ऐसा ही यूनिट कहते हैं। अब यहां पर देखिए, तो आपसे अगर पूछा जाए कि एफपीएस सिस्टम क्या है, एफपीएस पद्धति वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकेंड कहते हैं, उसको एफपीएस पद्धति कहते हैं। दैट सिस्टम लेंथ मास टाइम सो इंडिकेट फुट पाउंड और सेकेंड इज नॉन एज एफपीएस सिस्टम। अगर सीजीएस सिस्टम क्या है, तो ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकेंड कहा जाता है, उसको कहते हैं सीजीएस पद्धति। यानी दैट सिस्टम लेंथ मास टाइम सो इंडिकेट सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड इज नॉन एज सीजीएस सिस्टम। अगर पूछा जाए एमकेएस सिस्टम क्या है, तो ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकेंड कहा जाता है, एमकेएस पद्धति कहलाता है। दैट सिस्टम सो इंडिकेट लेंथ मास टाइम सो इंडिकेट मीटर किलोग्राम और सेकेंड इज नॉन एज एमकेएस सिस्टम। और ये एसआई सिस्टम क्या है, जो एमकेएस फॉर्म में है उसी को हम लोग एसआई सिस्टम कहते हैं। अब आपको यहां पर अगर यूनिट के रूप में देखा जाए, सिस्टम को अगर निकाला जाए, तो आप देखिए जस्ट लाइक इसको याद करने के लिए एक नोटबुक हम तैयार करते हैं, आप पूरे यूनिट को आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एक लिखकर हम दिखाएंगे और आप सब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सीजीएस में एमकेएस में आप लिख सकते हैं। तो आपसे अगर पूछा गया, तो सबसे पहले एक हम नोटबुक बनाते हैं और नोटबुक में हम इस चीज को देख सकते हैं। नोटबुक देखने का तरीका देखिए, जस्ट लाइक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम पहले तीन मेजर करके आते हैं, जैसे अगर हम बात करें एफपीएस या सॉरी इसको अगर हम बात करें, इसमें लेंथ है, इसमें मास है, इसमें टाइम है, और यह जो है एफपीएस सीजीएस और एमकेएस की बात ही कर रहे हैं। तो मैंने कहा जिसमें लंबाई को फुट यानी एफ यानी फुट, मास को पाउंड और टाइम को सेकेंड कहते हैं, वह एफपीएस सिस्टम कहलाता है, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकेंड करते हैं, सीजीएस सिस्टम कहलाता है, जिसमें लेंथ को मीटर,
मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड कहते हैं, उसको हम लोग एमकेएस पद्धति कहते हैं। आप इस तरह से डिफिनेशन भी दे सकते हैं। अगर आपको यूनिट लिखना है, अगर यूनिट के फॉर्म में जानना चाहते हैं तो एक तरीका हम लोग सिखाते हैं, यानी एमकेएस फॉर्म में इस तरह आप सीजीएस और एमकेएस में खुद से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग एमकेएस फॉर्म में कुछ मात्रक देख लें, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, या 11th में भी आता है, 12th में भी आता है। मात्रक लिखो, एमपीएस में लिखो, सीजीएस में लिखो, एमकेएस में लिखो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, ऐसे ही इंगित करेंगे। तो वहां घबराने की बात नहीं, यहां पर कैसे करेंगे वो चीज हम देखेंगे। अगर हमको एमपीएस में कहा जा रहा है, यानी एमपीएस सिस्टम में अगर लिखना है, यानी एमपीएस सिस्टम में अगर लिखना है किसी भी चीज का मात्रक, तो हम कैसे लिखेंगे? जस्ट लाइक पहला है हमारा लेंथ, तो आप तो लेंथ जानते हैं, यानी लेंथ क्या चीज पर निर्भर करता है? लंबाई पर। तो लंबाई को हम क्या कहते हैं एमपीएस में? फुट, यानी यहां फुट हो जाएगा। दूसरा मास, मास क्या चीज का होता है, यानी इसका मात्रक हो जाएगा एमपीएस में पाउंड। अगर तीसरा टाइम, टाइम की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। इसके अलावा और भी हम चलते हैं, जैसे अगर हमको बताना हो, ऐसे बहुत सारे मात्रक हम लिख सकते हैं, जितने भी आप मात्रक जान रहे हैं, नहीं भी जान रहे हैं, फॉर्मूला मालूम है, तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो एमपीएस हो, सीजीएस हो, एमकेएस हो। आगे हम डायमेंशन भी आपको बताएंगे। अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड यानी चाल, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। डिस्टेंस इट इज द डिपेंडेंट ऑफ लेंथ, लेंथ हो और टाइम, टाइम ही रहे। तो लेंथ को इस फॉर्म में फुट कहा जाता है और टाइम को सेकेंड कहते हैं। इसी को पढ़ते हैं बाबू, फुट पर सेकेंड, या चाल का एमपीएस फॉर्म में मात्रक है, या इसी को पढ़ेंगे फुट सेकेंड इनवर्स, या दूसरे के घर में जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो, यानी फुट सेकेंड इनवर्स। यह स्पीड हुआ। इसके अलावा और भी हम आपको दिखाएंगे। अगर बात करें कि अगर हमको वेलोसिटी का निकालना है, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अब बाय टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट इट इज द डिपेंडेंट ऑफ लेंथ। तो हम इसको लिख सकते हैं लेंथ बाय टाइम। लेंथ की यूनिट होती है फुट और टाइम का सेकेंड, यानी इसको पढ़ेंगे फुट पर सेकेंड या फुट सेकेंड इनवर्स, या वेलोसिटी का हो गया। छठा, अगर हमको कह दे कि एक्सेलरेशन का बताओ, जिसका भी आपको निकालना है निकाल सकते हो, जो आप 10th में फॉर्मूला पढ़े हैं, 9th में भी फॉर्मूला पढ़े हैं, उसका भी आप यूनिट निकाल सकते हैं, सिस्टम निकाल सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? तो जस्ट लाइक चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। तो अभी आपने वेलोसिटी का निकाला भी, तो वेलोसिटी का आपने क्या निकाला? तो वेलोसिटी का हो गया फुट बाय सेकेंड और यह हो गया सेकेंड। तो इसको हम पढ़ेंगे, यानी वेलोसिटी का हो गया फुट बाय सेकेंड और यह टाइम का तो सेकेंड होता ही है, तो यानी फुट बाय सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को पढ़ते हैं बच्चों, फुट पर सेकेंड स्क्वायर या फुट सेकेंड इनवर्स टू, ये ऊपर जा रहा है, यह एक्सेलरेशन का। अगर हम बात करें फोर्स की, अगर फोर्स का निकालना है, तो अभी हम तुरंत देख रहे हैं फोर्स का एमपीएस में यूनिट बताना है, तो फोर्स का क्या होता है? फोर्स को हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का हो गया पाउंड और एक्सेलरेशन।
फ्रैक्शन का हो गया फुट बाई सेकेंड स्क्वायर। तो इसको पढ़ेंगे क्या, पौन फुट पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को पढ़ेंगे पौन फुट सेकेंड इनवर्स टू। यही चीज आपको सीजीएस में लिखना होता तो खाली नाम चेंज कर देते। सीजीएस में अगर वेलोसिटी का लिखना है तो आप लोग लेंथ का क्या जानते हैं, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाता। आप यहां पर एक्सलेशन का लिखना है तो मैंने कहा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो यहां पर हो जाता सेंटीमीटर बाय सेकेंड, सेकेंड यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता। अगर यही फोर्स का लिखना होता तो हम इसको लिखते क्या, यहां पर हो जाता मास का ग्राम होता है सीजीएस में, एक्सलेशन का सेंटीमीटर होता और टाइम का सेकेंड स्क्वायर होता। तो हम इसको लिखते क्या, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स टू। यही चीज अगर केस में लिखना होता तो हम लेंथ को लिखते हैं मीटर, तो मीटर पर सेकेंड हो जाता, मीटर पर सेकेंड हो जाता, मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाता। फिर हम एक्सलेशन को निकालते तो यहां हो जाता मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, यहां भी हो जाता मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स टू हो जाता। फोर्स का निकालते तो यहां पर क्या हो जाता मास का केजी, और यहां हो जाता मीटर और यह हो जाता पर सेकेंड स्क्वायर, यानी फोर्स के रूप में हो जाता। इस तरह से अगर हम फॉर्मूला और भी बढ़ा सकते हैं, अब जैसे कि माना जाए यानी फोर्स के रूप में हम इस चीज को निकालें, अब जैसे एरिया का निकालना है तो एरिया यानी क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई के रूप में बात करते हैं, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ है, यानी ब्रेथ के रूप में बात करते हैं। तो यहां पर लंबाई गुणे चौड़ाई की बात हो रही है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो फिजिक्स के लैंग्वेज में चाहे वह लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, ये एल है ये बी है, लेंथ है ब्रेथ है, लेकिन फिजिक्स में दो मीटर लंबा तीन मीटर चौड़ा यानी लेंथ भी है, वह भी तो क्या है लेंथ है, यानी फिजिक्स के लैंग्वेज में दोनों तो लेंथ हो जाएगा। तो यानी अपियस फॉर्म में लिख रहा है यहां हो जाएगा फुट स्क्वायर। अगर हम बात करें प्रेशर की, प्रेशर मतलब आप जानते हैं दाब होता है, तो प्रेशर का अगर निकालना है तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया की बात होती है एरिया। तो फोर्स का भी आपने निकाला है क्या होता है पौन फुट बाय सेकेंड स्क्वायर निकला होगा फोर्स का। अब एरिया का आपने देखा फुट स्क्वायर होता है, एवो फुट से एवो फुट महीना चला गया यानी कट गया, अब जो जाएगा ऊपर जाएगा तो यहां हो जाएगा पौन, अब ये ऊपर जा रहा है तो फुट इनवर्स, और ये ऊपर जा रहा है सेकेंड इनवर्स टू। यह हमारा एपिस फॉर्म में मात्र है, यही आपको सीजीएस में लिखना होता तो यहां लिखते सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आपको प्रेशर का लिखना होता सीजीएस में तो यहां लिखते ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स टू, 40 में यानी प्रेशर के रूप में हो जाता। अब अगर बात किया जाए वॉल्यूम यानी वॉल्यूम का यानी आयतन, अगर वॉल्यूम की बात किया जाए तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो होगा एल इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में तीनों लेंथ यानी एल क्यू, यानी लंबाई 3 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 4 मीटर ऊंचा, ये सब क्या है लेंथ। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में तीनों लंबाई है यानी एल क्यू, इसको हम लोग कहते हैं फुट का क्यू। अगर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी क्या डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का हम लोग बात करते हैं पौन और वॉल्यूम का हो गया फुट क्यू, तो हम इसको लिखेंगे पौन फुट ऊपर जा रहा है इनवर्स थ्री यानी फुट क्यू, इस तरह डेंसिटी हो गया। आपको जिसका मन करे उसका आप एपीएस सीजीएस और एमकेएस निकाल सकते हैं, सेटिंग करने की बात होती है। जैसे और भी हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मोमेंटम, मोमेंटम जो होता है वह क्या होता है यानी संवेग, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, यानी P इक्वल टू एम क्रॉस बी यानी एम क्रॉस बी की बात करते हैं। तो एम तो हमारा मास है और V क्या है वेलोसिटी यानी वेग है, तो आप जानते हैं मास तो मास ही लिखेंगे, और वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट अब बाय क्या हो गया
टाइम के रूप में आप बात कर रहे हैं या आप वेलोसिटी है, द डिस्प्लेसमेंट इट इज अ डिपेंडेंट ऑफ लेंथ, यानी लेंथ और बाइक क्या हो गया टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इट इज द डिपेंडेंट ऑफ लेंथ और टाइम, तो पाउंड को हम तो पाउंड ही लिखेंगे और लेंथ को हम कहें फुट और टाइम को कहें सेकेंड, इसको लिखेंगे पाउंड फुट सेकेंड इनवर्स या यूनिट के रूप में लिखते चले चले जा रहे हैं। एफपीएस में हुआ इसी को सीजीएस में आप लिखते, तो यहां तक तो आपको चेंज करना ही पड़ता। सीजीएस में क्या होता, मास का ग्राम हो जाता, लेंथ का सेंटीमीटर हो जाता और ये सेकेंड, तो यहां पढ़ते सेंटीमीटर सॉरी ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, यही एमपीएस फॉर्म में लिखते। तो आप क्या लिखते, तो यहां पर लिखते जस्ट लाइक मास का केजी हो जाता और लेंथ का मीटर हो जाता और टाइम का सेकेंड है, तो इसको पढ़ते केजी मीटर सेकेंड इनवर्स एमपीएस फॉर्म में। इस तरह आप जितने भी फॉर्मूला जानते हैं, इसमें तो बहुत सारा चैप्टर में अगर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो बहुत सारा फॉर्मूला निकलता ही चला जाएगा, बहुत ही निकलता फॉर्मूला चला जाएगा, उसमें क्या कर सकते। तो जितना हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे वहां फॉर्मूला को ड्राइव करते जाएंगे। जैसे कि एक दो एग्जांपल और भी देख लेते हैं, जस्ट लाइक अगर हम बात करें वर्क, यानी वर्क की बात करें तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क जो है वह है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का हो गया अपॉन फुट बाय सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट इट इज द डिपेंडेंट ऑफ लेंथ, यानी फुट आप इसको निकाल चुके हैं फोर्स का, अब बार बार फोर्स आ रहा है, तो एक बार फोर्स को आपको पूरा याद ही रखना होगा। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर। हर फॉर्मूला में आप देखिएगा फोर्स कॉमन है, हर फॉर्मूला में हमारा फोर्स जो है कॉमन है, वो हर जगह आता है, इसलिए इसका फॉर्मूला एकदम याद रख लीजिएगा। एफपीएस में पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एमपीएस में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे आपको याद रखना होगा। फोर्स हर जगह काम करेगा, हर जगह फोर्स है, बिना फोर्स के आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहां हो जाएगा क्या, यहां हो जाएगा पाउंड फुट स्क्वायर सेकंड इनवर्स टू, ये ऊपर जा रहा है फुट स्क्वायर सेकंड इनवर्स टू, एफपीएस में हो गया। यही चीज आप सीजीएस में देखेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स टू, एमपीएस में लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स टू। तो इस तरह का फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं। वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी का कोई भी एनर्जी आप उठा लीजिए, या आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें या पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक की बात करें हाफ एमवी स्क्वायर होता है, तो ये डिजिट का तो डायमेंशन लेस है, मात्रक ही नहीं होता, आपका कोई मात्रक ही नहीं है। तो मास की बात करें तो यहां मास होगा और यहां हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी का अगर हम स्क्वायर की बात करें तो मास को तो हम कहते हैं पाउंड, कहते हैं पाउंड, और वेलोसिटी आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी हो गया पाउंड और डिस्प्लेसमेंट इट इज द डिपेंडेंट ऑफ लेंथ बाय टाइम का होल स्क्वायर। तो पाउंड तो है, यानी मास को तो हम पाउंड ही कर रहे हैं पीएस फॉर्म में, यह पाउंड हो गया, लेंथ को हम क्या कहते हैं पीएस फॉर्म में फुट हो गया, टाइम को सेकेंड कहते हैं होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं पाउंड यानी स्क्वायर है तो फुट स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा सेकेंड इनवर्स टू। यानी अगर यही सीजीएस में होता, यही एमपीएस में होता, सीजीएस में लिखते ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू, एमपीएस में लिखते मीटर किलोग्राम सॉरी यहां किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू, दैट्स ऑल। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के साथ। तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यह आपके 11th में भी 12th में भी आईआईटी मेडिकल में भी इस फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। तो हम अगली वीडियो में डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ मिलेंगे, डायमेंशन के साथ और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।